4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्लोज द केयर गैप पर केंद्रित है। कैंसर शब्द का जिक्र ही जहन में सरहन पैदा कर देता है। ऐसे में जिन्हें कैंसर हो जाता है और जो लोग उनकी सेवा करते हैं, उनकी मनस्थिति को तो बयां भी नहीं किया जा सकता। फिर कैंसर केयर से संबंधित कई चरणों जैसे डायग्नोसिस, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और पैलिएटिव केयर व्यवस्था में कुछ गैप हो तो कैंसर के मरीजों और रिश्तेदारों को निराशा का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसी दृष्टि से इस साल की थीम प्रासंगिक है, क्योंकि किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए केयर के मापदंडों पर 100% खरा उतरना एक नामुमकिन सा आदर्श मात्र है। इसी के तहत राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज कैंसर हॉस्पिटल की ओर से कैंसर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी डॉक्टर करतार सिंह ने दी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज कैंसर हॉस्पिटल द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ये जो WHO का वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी का, इस बार की जो थीम है क्लोज द केयर गैप। केयर का मतलब यहाँ पर है कैंसर का जो इलाज है वो किन कारणों से मरीज को समय पर नहीं मिल पाता है, उन कारणों को ढूंढना और वो गैप बंद करना। पहला कारण ये है कि मरीज को पता ही नहीं है कि कैंसर है, तो हम स्क्रीनिंग के द्वारा कैंप लगा के जागरूकता फैला के हम ये गैप भरेंगे। एक बार पता चल गया कि कैंसर है तो उसमें जो आने वाला खर्चा है उसको हम इस गैप से भरेंगे, इस गैप को भरेंगे। सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, जो मरीजों के द्वारा महात्मा फुले योजना है, आयुष्मान योजना है जिसमें 1.5 से 2 लाख रुपए तक मरीज को इलाज के लिए मिलता है, ये दूसरा गैप हम इस तरह से भर सकते हैं। तीसरा गैप है कि मरीज को एक बार जब पता चलता है कि कैंसर हो गया तो वो डर जाता है, उस डरने की वजह से वो अस्पताल तक मरीज नहीं पहुँचता है, तो उसको हम जागरूकता के द्वारा इस गैप को हम भरेंगे। कई बार कुछ मरीज हमारे बहुत दूर गांव ग्रामीण एरिए से आते हैं जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की, बसेस की, रेलवे की सुविधा नहीं है, उनको लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समय लगता है या तकलीफ़ होती है, उतना पैसा वो आने जाने में खर्च नहीं कर सकते। इस गैप को भी सरकार की योजनाओं के द्वारा भरा जा सकता है। इस तरह से कैंसर केयर गैप जो है वो हम भर सकते हैं। इन 3 साल में जो हम ऑब्जर्वेशन होंगे हमारे, जो हम एक्सप्लोर करेंगे रीज़न और किस तरह से उनको हम सॉल्व करना है, उसके लिए ये 3 साल का समय दिया गया है। और ये पूरे विश्व में हर देश में अपने अपने ढंग से उनकी जो तकलीफ़ें होंगी, वो जो गैप जिस तरह का उनके एरिया में होगा, उनके कंट्री में होगा, हमारी जो कंट्री में तकलीफ है वो यही है कि अवेयरनेस कम है, उस गैप को हम भरें। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हॉस्पिटल के द्वारा, टुकड़ो जी महाराज कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा जो जागरूकता हम फैलाते हैं उसमें हम इस तरह के सभी प्रोग्राम जो वर्ल्ड कैंसर डे या उससे रिलेटेड या इस तरह की थीम के होते हैं वो हम करते हैं। IMA के द्वारा उनके प्रोग्राम में किसी भी तरह की कैंसर की कोई बात की जाती है तो हम उसमें हिस्सा लेते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमको जो सहायता मिलती है उसमें, उस ग्रांट के लिए हमको कुछ नियम रहते हैं जो हमको पूरा करने रहते हैं कि समाज में जाके हम अवेयरनेस फैलाएंगे। हम पैम्पलेट्स के द्वारा, TV माध्यम के द्वारा, जो भी समाचार माध्यम हैं उनके द्वारा मरीज तक हम पहुँचते हैं, वो एक तरीका है। सरकार के द्वारा हमको एक डायग्नोस्टिक वैन मिली है जिसमें कैंसर के मरीजों की स्क्रीनिंग करने की सुविधा है, तो हम गांव ग्रामीण एरिए में, तालुके में, दूर दूर तक जाके उन मरीजों को हम तलाशते हैं। उस में हमारे स्पेशलिस्ट लोग जाते हैं स्पॉट पे, उस समय क्या तकलीफ हो सकती है उसकी जांच करते हैं और उन पेशेंट को हॉस्पिटल लाके हम उसकी डायग्नोस करके फिर आगे का ट्रीटमेंट करते हैं।